नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोयमी तानी के बारे में, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1948 को एक जापानी गुलाबी फिल्म अभिनेत्री के तौर पर हुआ, जो कि 1970 के दशक के दौरान उन्होंने कई सारे एमएस थीम के साथ निकृष्ट रोल मिलने में अपनी फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए पूरी दुनिया में जानी गई। 1948 को कुकुओका के हाकाटा वार्ड में जन्मी नोयमी तानी 18 साल की उम्र में टोक्यो चले गई। टोक्यो पहुंचने के बाद उन्होंने वीकली ताओशी और पॉपुलर वीकली के साथ अपनी फोटो लोएट के साथ नजर आई। इस उपस्थिति के कारण उन्होंने पिंक फिल्म की भूमिकाओं में प्रस्ताव भी आए, जो कि उनके कम बजट वाली स्वतंत्र सॉफ्ट कोर फिल्में थी, जो कि समय जापान के घरेलू सिनेमा की हावी थी। उनकी पहली फिल्म 1967 में फिल्म स्पेशल थी। उन्होंने अपने स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा तानी और उपन्यासिका के जूनियर चीरो के साथ उन्होंने अपने कई सारे पोज भी दिए। तानी या वैली भी उनके कई सारे बीच में दरार के लिए एक जापानी गठपोली शब्द है। नतीजन उनकी सूची तानी के बाद उन्होंने ओटनी के साथ कई सारे रेस्तरा खोले और उन्होंने मन में कई तरह की बातें भी रही। तानी की शुरुआत फिल्मों में मुख्य रूप से छोटी कंपनियों के साथ थी, जो कि 1960 के दशक में बड़ी स्टूडियो सिस्टम में स्वतंत्र गुलाबी फिल्मों में बनी।